जबलपुर के सिविल लाइन से थानांतरित हाई कोर्ट परिसर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें क्षेत्रीय लोगों ने इस बात की सूचना सिविल लाइन थाने में दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि 3 दिन पूर्व रात के अंधेरे में एक कार में कुछ लोग आए थे जिनमें एक महिला भी शामिल थी। उन्होंने इस बुजुर्ग को कार से उतारकर सड़क के किनारे छोड़ दिया और भाग गए। बुजुर्ग सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने ही उसे भोजन दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह काफी बीमार है। शनिवार की सुबह उसे मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा गया है। लोगों के द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हाई कोर्ट परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उस कार की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिस कार में रखकर बुजुर्ग को लाया गया था। बहुत ज्यादा खराब रही, उसको बैठते भी नहीं बन रहा था और लोग छोड़ के चले गए। उसमें एक लेडीज थी, 3 आदमी रहे, उसको उतार के यहाँ पे सिर्फ छोड़े, फिर बाकी वो किनारे कैसे चले गए ये नहीं मालूम। आज 3रा दिन 14 दिन है इसको ला के। खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना वो दानी लोग आते हैं, देके जाते हैं सर इसको। आप लोग भी देख देख कर रहे हैं? देख देख अब इसकी क्या होगी सर, ना हकते बन रहा ना मुँहते बन रहा, उसको उठते बैठते नहीं बन रहा उससे। हमारा नाम मोहम्मद शफीक, नया महल्ले में रहते हैं हम, बड़ी ओमती जी। सही नहीं बता। आज आनंद जी ने एक सूचना दी कि आज दिनांक 12/12/20 के 11 बजे के पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति यहां अज्ञात कारणों से मौत हुआ है। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और अभी जांच की जा रही है और इसका सही कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा मृत्यु का कारण। परिवार वालों ने छोड़ के गए हैं यहाँ पर ये कहा? ये अभी जो यहाँ आमजन जो आसपास रहते हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह पूर्व किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इनको लाकर यहाँ छोड़ा गया था, तो उस संबंध में तस्दीक की जाएगी, इनके वारसानों का पता किया जाएगा और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि ठंड से हुई? ठंड से या किसी और भी कारण से हुई है ये बता पाना पीएम के बाद ही होगा। प्रथम दृष्टया तो प्रतीत हो रहा है कि बुजुर्ग आदमी है और इस तरह खुले में था, तो हो सकता है कि ठंड से भी इसकी मौत हो सकती है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।